अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ समरा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल समरा स्पीक्स। वेलकम टू असमल हुसना सीरीज एंड टुडे वी आर लर्निंग अबाउट अल्लाहस 18 नेम दैट इज अल फताहू। द रूट वर्ड ऑफ अल फताहू इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटर्स दैट आर फा ता एंड हा। फा ता और हा को जब हम मिला देते हैं तो हमारे पास लफ्ज़ बन जाता है फतेह। फतेह का मतलब हम समझते हैं किसी चीज़ को जीत लेना, हासिल कर लेना, लेकिन आज हम फा ता और हा के दूसरे मीनिंग को भी देखेंगे और उसकी डेप्थ में जाकर उनको हम समझेंगे। अरबिक डिक्शनरी में लफ्ज़ फा ता और हा का जो मीनिंग है वो बनते हैं खोलने वाला, जीत, फैसला आ जाना यानी कि किसी की जीत हो जाना, मतलब कि कोई मुकाबला चल रहा है और उसमें फैसला आ गया है कि फ़लाँ शख्स जीत चुका है, ऐसा कोई फैसला आ जाना। एहसान करना, अता करना, मुनव्वर करना या फिर चाबी। डिटेल स्टार्ट करते हैं इसके पहले मीनिंग से जो कि है खोलने वाला। कौन है अलफताहू? अलफताहू वो है जो हमारे लिए रास्ते खोलता है या हमारे लिए रास्तों को हमवार करता है, यानी कि हमारी ज़िंदगी के लिए कोई नया रास्ता खुल जाए, कोई नया मोड़, कोई नया रास्ता हमवार हो जाए, ऐसा रास्ता जिसके बारे में हमने सोचा भी ना हो लेकिन हमारी ज़िंदगी के हालात हमें मजबूर कर दे हमें उन रास्तों पर चलने के लिए। ये होता है अलफताहू जो हमारे लिए रास्तों को खोल देता है और उसके रास्ते, उसके किए गए फैसले ही हमारी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन होते हैं। उसके फैसले वो फैसले होते हैं जो हमें अलफताहू या फिर अल्लाह ताला के करीब करते हैं। मतलब कि आपकी ख्वाहिश हो कि फ़लाँ शख्स आपको मिल जाए लेकिन आपकी शादी उस शख्स के साथ ना हो बल्कि किसी दूसरे शख्स के साथ कर दी जाए। अब दो ऑप्शंस हैं कि आपकी ज़िंदगी में आने वाला वो शख्स या तो उस शख्स से बेहतर होगा जिसको आपने खो दिया और आप ख्वाहिश रखते थे, या फिर उस शख्स से बदतर होगा। अब आपकी ज़िंदगी में वो नया आने वाला शख्स, चाहे वो आपके मनपसंद शख्स से बेहतर हो या बदतर हो, दोनों ही हालतों में वो आपको अल्लाह के करीब करने का ज़रिया है। अगर वो बेहतर है तो आप शुक्र के ज़रिए अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कि उसने आपको बेहतर से नवाजा है, आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे। और अगर वो शख्स बदतर है तो सब्र करते हुए कि ये फैसला आपके लिए अल्लाह ने लिया है, आप इस दुनिया में सब्र करेंगे और इस सूरत में भी आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे। दोनों सूरतों में आपने याद रखना है कि दुनिया आर्जी है, आपको सिर्फ चंद साल यहाँ पे गुजारने हैं। अलफताहू का एक दूसरा मतलब भी है जो कि है चाबी। चाबी का काम क्या होता है? कोई भी एक स्पेसिफिक चाबी एक स्पेसिफिक डोर को, दरवाजे को हमारे लिए खोलती है और उस दरवाजे के अंदर जो भी मंजर होता है वो मंजर सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए होता है। वो हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक हो या ना हो, हमें उस मंजर में सर्वाइव करना है, हमें उस रास्ते पे हर हाल में चढ़ना है और उस मंजर में कुछ अरसा ज़िंदगी गुजारनी है क्योंकि वो हमारे लिए अलफताहू ने खोली है। हम ना तो अलफताहू जितना इलम रखते हैं और ना ही अलफताहू की मसलतें समझते हैं, लिहाजा हमें दुआ करनी है, हमें कोशिश करनी है कि उस दरवाज़े का मंजर जैसा भी हो वो हमारे समझ में आने वाला हो या फिर हमें हिम्मत हो कि हम उस मंजर में सर्वाइव करें, उस रास्ते पर चल सकें, क्योंकि वो मंजर हमारे ख्वाहिशात के मुताबिक हो या ना हो वही मंजर हमें आगे जाके कामयाबी देगा, इस दुनिया की कामयाबी भी और आखिरत की दुनिया की कामयाबी भी। लेकिन हम मायूस ही क्यों हो रहे हैं? हमें क्यों लग रहा है कि अलफताहू हमें उसी मंजर की चाबी देगा जो कि हमारी ख्वाहिशात के बरक्स होगा? अलफताहू के पास लामहदूद चाबियाँ हैं।
अलफताहू के पास लामहदूद रास्ते हैं। हो सकता है वो हमें ऐसी चाबी दे, हमें ऐसे रास्ते पर चलाए जो कि हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक हो और हम सारी उम्र उसका शुक्र अदा करते रहें और वो हम पर मज़ीद मेहरबान होता जाए। और अलफताहू ने खुद का ज़िक्र अपनी पाक किताब में किस तरह से किया है, मैं इसका यहाँ पे तर्जमा की देती हूँ। और उसी के पास हैं गैब की चाबियाँ जिनको उसके सिवा कोई नहीं जानता, और उसे जंगलों और दरियाओं की सब चीज़ों का इरम है, और कोई पत्ता नहीं झड़ता मगर वो उसको जानता है, और ज़मीन के अंधेरों में कोई दाना और कोई हरी और सूखी चीज़ नहीं है मगर रोशन किताब में है या किताब में लिखी हुई है। सूरत इनाम आयत नंबर 59। इससे हमें पता चलता है कि अलफताहू के पास तमाम तर गैब की चाबियां हैं और गैब का इलम है जिसको उसके सिवा कोई नहीं जानता। हो सकता है कि जो ख्वाहिश हमारे दिल में है और जिसकी चाबी हम उससे गिर गिरा कर मांग रहे हैं, अगर वो चाबी हमें दे दे और हम उस दरवाज़े को खोलें तो अंदर का मंज़र हमारी ख्वाहिशात के बरक्स हो, अंदर का मंज़र बिल्कुल भी वैसा ना हो जैसा कि हमने सोचा था। हो सकता है अंदर का मंज़र बदतरीन हो और वो ख्वाहिश हमें सिर्फ दूर से और बाहर से अच्छी लग रही हो, इसी वजह से अलफताहू हमें वो चाबी नहीं दे रहा बल्कि उसने हमें एक दूसरी चाबी थमा दी है, एक दूसरे रास्ते पर भेज दिया है, एक दूसरे दरवाज़े पर भेज दिया है जिसके अंदर का मंज़र हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक, हमारी सोच के मुताबिक नहीं है, जो कि बिल्कुल नया है। हम इंसान सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के लिए नहीं रोते बल्कि हम नए मंजर नए रास्तों पर चलने से भी रोते हैं, क्योंकि इंसानी फितरत के तौर पर नई चीज़ें ट्राई करना हम पसंद नहीं करते। हमें अपनी वही पुरानी चीज़ें, पुराने शख्स, पुरानी ख्वाहिशें चाहिए होती हैं जिनके साथ हमने सालों गुजारे हैं और हमें लगता है कि वही हमारे लिए बेहतरीन है, लेकिन हम गैप का इलम नहीं जानते। हो सकता है वो नया रास्ता, वो नई मंजिल, वो नया मंजर हमारे लिए हमारी पिछली ख्वाहिश से कहीं गुना ज़्यादा बेहतरीन हो, खूबसूरत हो, मोहब्बत करने, एहसास करने वाला हो। ऐसे सूरत में हमें अलफताहू पर भरोसा करते हुए खुद को अलफताहू के सुपुर्द कर देना चाहिए कि वो हमारे लिए कोई भी नामुनासिब या नुकसानदेह वाला फैसला नहीं करेगा। अलफताहू का जिक्र कुरान पाक में एक और जगह पर आया है और यहाँ पर अलफताहू का जैसे जिक्र आया है, ये हमारे बहुत सारे सवालों के हमें जवाब दे देगा, वो जवाब जो हमारे दिमाग में सालों से चल रहे हैं जिस पर हमें अभी तक कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाया। सबसे पहले इसका तर्जमा देखते हैं। लेकिन सख्त हो गए उनके दिल और खूबसूरत बना दिया उनके लिए शैतान ने वो जो करते थे, फिर जब भूल गए वो उसको जो नसीहत की गई थी उनको, तो खोर दिए या फतह कर दिए हमने उन पर दरवाज़े हर चीज़ के, यहाँ तक के वो जब खुश हो गए इन चीज़ों से जो उनको दी गई थी तो पकड़ लिया हमने इनको नागहाँ, तो वो इस वक्त को मायूस हो गए। इस तर्जुमे में आपके बहुत सारे सवालों के जवाब पोशीदा हैं। क्या जवाब? जो अक्सर हम खुद से पूछते हैं कि फ़लाँ शख्स ने मेरे साथ बुरा किया लेकिन अभी भी उस शख्स की ज़िंदगी में तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, वो खुश है, उसके पास पैसा है, अपने हैं, सेहत हैं, वो अय्याशी वाली ज़िंदगी गुजार रहा है, तो अल्लाह उसकी पकड़ क्यों नहीं कर रहा, उसको दुनिया में सज़ा क्यों नहीं मिल रही? तो इस आयत में साफ साफ कहा गया है कि ये सब भी अलफताहू ने उनके साथ किया है। अलफताहू ने उनके दिलों को बंद कर दिया है। अलफताहू उनकी ख्वाहिशों को, जो कि इस दुनिया की ख्वाहिशें हैं, पूरी किए जा रहा है, उनको वो तमाम तर चीज़ें दिए जा रहा है और वो उस नशे में गुम हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो सीधे रास्ते पर हैं,
वो जो ख्वाहिश कर रहे हैं उनको मिल रहा है, वो जिस मिट्टी में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाती है, यानी वो जीत रहे हैं, लेकिन ये असल में उनकी हार है, क्योंकि अल्लाह उनको तौबा करने का, उनको अपनी तरफ आने का मौका नहीं दे रहा। और जब आखिरत का वक़्त आएगा, जब उनकी आंखें खुलेंगी, तब उनको पता चलेगा, तब वो मायूस होंगे कि उनके साथ हुआ क्या है। उनको इस ज़िंदगी में अपने रब की तरफ आने का मौका नहीं मिल रहा, उनके ज़मीर को, उनके दिल को अल्लाह ने स्याह कर दिया है, उन पर मोहर लगा दी है। हमारे दिमाग में अक्सर ये बात आती है ना कि जैसे ही हम किसी के ख़िलाफ़ कुछ बुरा प्लान करते हैं या सोचते हैं, उसी वक़्त हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है। तो दूसरों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? जो हमारे साथ बुरा किए जा रहे हैं उनको एहसास क्यों नहीं होता? तो इस आयत से उम्मीद करती हूँ आज आपको जवाब मिल गया होगा कि अल्लाह की तमाम तर चीज़ें असल में क्या हैं, ये दुनिया असल में क्या है, ये दुनिया असल में सिर्फ़ और सिर्फ आजमाइश है, ये दुनिया इनाम नहीं है। तो वो तमाम लोग जिनको अल्लाह सिर्फ़ नवाजे ही जा रहा है, जो दूसरों के साथ बुरा कर रहे हैं फिर भी वो फर्दर नवाजे जा रहे हैं, तो वो कोई ब्लेसिंग या इनाम नहीं है, बल्कि वो भी अल्लाह के नज़दीक एक बहुत बड़ी आजमाइश में हैं जिसको वो नहीं जानते। तो आपने अपने रब से मायूस नहीं होना। अगर वो आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक आपको आपकी पसंद के रास्ते नहीं दे रहा, और आपके दुश्मनों को जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, आपको तकलीफ़ दी, उनकी तमाम तर ख्वाहिशें पूरी किए जा रहा है, तो ये सब क्या है? सिर्फ और सिर्फ आजमाइश। उम्मीद करती हूँ आज का नाम आपको अच्छा लगा होगा, इसके मीनिंग और इसका तदब्बुर, इसकी डिटेल आपको पसंद आई होगी, और अपने रब के साथ आपका कनेक्शन बेहतर हुआ होगा, अपने रब पर आपको मज़ीद भरोसा हुआ होगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक दूसरे नाम के साथ, अल्लाह ताला को मज़ीद पहचानने के लिए, अल्लाह को मज़ीद जानने के लिए। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।